हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य। आज का पार्टनर टॉपिक ऑफ द डिसीजन, आज के इस टॉपिक ऑफ द डिसीजन में हम बात करेंगे अबाउट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों था। तो रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे इस इलेक्शन के लिए इन वाराणसी, तो उन्होंने अपना जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है उसे डिस्क्लोज किया है। और इसी डिस्क्लोज के दौरान उन्होंने देखा गया है इसमें कि अपार्ट फ्रॉम जो उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो फिक्स डिपॉजिट है, उनका जो सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो है इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। दैट्स वाई ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, क्या इसके मेजर फीचर्स हैं और कौन से लोग जो है वह एलिजिबल है जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज के रेफरेंस का कि आखिर यह न्यूज में क्यों आया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी व्हाइल फाइलिंग हिज इलेक्टोरल नॉमिनेशन टू कंटेस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी लोकसभा सीट डिस्क्लोज हिज इन्वेस्टमेंट। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली डिक्लेयर्ड ₹9.2 लाख इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन हिज नॉमिनेशन फाइलिंग। उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइलिंग में इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9.2 लाख इन्वेस्टमेंट का जो बेसिकली इन्वेस्ट किया है उसे डिस्क्लोज किया है। इस कारण से न्यूज में था। अब सबसे हम पहले बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में कि आखिर है यह क्या, कैसे इसे रन किया जाता है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली यह एक फिक्स्ड डिपॉजिट, कह सकते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स होते हैं अदर बैंक्स में, ठीक उसी तरीके से यह एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। इसका एम क्या है? इट्स एम इज टू इनकरेज यूजर्स हु आर प्राइमरली, वैसे लोग जो लो मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एज वेल एज सेव टैक्सेस। जो प्राइमरली बिलोंग करता है किससे? लो मिडिल इनकम इन्वेस्टर्स के लिए यह जो स्कीम है वह रन किया जा रहा है ताकि उन्हें इन्वेस्ट कराया जा सके और उनके टैक्स को सेव किया जा सके। यू कैन इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इन योर नेम फॉर ए माइनर और विथ अनदर एडल्ट एज ए ज्वाइंट अकाउंट। इस तरीके से आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ मेजर फीचर्स की हम बात कर लेते हैं कि क्या इसके मेजर फीचर्स हैं। सो पहले ही बात करते हैं इंटरेस्ट रेट का। सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो इंटरेस्ट रेट है वह जो अदर बैंक्स है उसके जो फिक्स डिपॉजिट में जो रेट्स रहते हैं उसके मुकाबले में काफी स्टेबल है, मतलब बहुत ही कम फ्लक्चुएशन होते हैं इसमें। द सर्टिफिकेट ऑन एनुअल फिक्स्ड इंटरेस्ट विच इज रिवाइज्ड एवरी क्वार्टर बाय द गवर्नमेंट दस गारंटिंग ए रेगुलर इनकम फॉर द इन्वेस्टर। और हालांकि इसमें क्वार्टरली इसमें रिविजन भी होता है, रिवाइज्ड भी किया जाता है, लेकिन यह एक एनुअल फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो यह अराउंड 7.7% है। मैच्योरिटी पीरियड की हम बात करते हैं तो वह ऑलमोस्ट 5 years का है। हालांकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह डबल होता है 10 years 4 months के अराउंड में, यह डबल होता है। एंड द अमाउंट ऑफ एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दैट कैन बी परचेज हैज नो अपर लिमिट। एंड टैक्स सेविंग की बात करें, एज ए टैक्स सेवर, एज ए गवर्नमेंट बैक्ड टैक्स सेविंग स्कीम, द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्वालिफाई फॉर टैक्स सेविंग्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अप टू 1.5 लाख एनुअली। कि 1.5 लाख तक आपको जो बेसिकली कह सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वह क्वालिफाई है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा एनुअली। तो ये कुछ इसके मेजर फीचर्स है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के। अदर फीचर्स की हम बात करते हैं, एक्सेसिबल कैसे है ये। सो इट कैन वेल इजिली बी ब्रॉट फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस ऑन द सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड KYC डॉक्यूमेंट। ऑल्सो इट इज इजी टू ट्रांसफर द सर्टिफिकेट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर एज वेल एज
from one person to another without impacting the interest accrual maturity of the original certificate. कि आप इजिली यह कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं से भी, एक तो पहले नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं और उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस, और यह किसी भी तरीके से आपके accruals या interest rate पे कोई effect नहीं डालता है. लोन collaterals की हम बात करते हैं, NSC certificates are accepted as collateral or security for secured loans in banks and NBFC non-banking financial institutions में भी यह एक collateral के रूप में इसे treat किया जाता है. अब बात हम करते हैं कि कौन लोग इसमें eligible है. पहले सबसे पहले हम बात करती है, उससे भी पहले बात करते हैं nomination का. So the investor can nominate any family member, even a minor, so that they can inherit it in the unfortunate event of investor's demise. Premature withdrawal की हम बात कर लेते हैं. Generally, one cannot exit the scheme early except on the death of an investor, on a court order or on forfeiture by plagued who is a gazetted government for it. इस तरीके से आप premature withdrawal कर सकते हैं जब अगर death का condition आता है investor का तब. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं फॉर NSE कि कौन लोग एलिजिबल है. तो सबसे पहले, और कौन लोग एलिजिबल नहीं भी हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जो ट्रस्ट हैं, जो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो एलिजिबल नहीं है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे. जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी इंडिविजुअल मस्ट बी अ रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए. NRI आर नॉट एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन NSE. There is no age limit for individuals to purchase an NSE. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है कि आप इसको कब परचेज कर सकते हैं, कोई भी इसे परचेज कर सकता है. सो इसीलिए न्यूज में बना हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तब ये अपना इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज किए थे कि NSE में उनका कितना इन्वेस्टमेंट है. दैट्स वाई ये न्यूज में बना हुआ था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.